पाकिस्तान में आतंकवादी बसे हुए हैं या आतंकवादियों में पाकिस्तानी, ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2008 में जो मुंबई धमाका हुआ था जिसमें लगभग 166 लोग मरे थे, उनके जो आरोपी थे, मतलब अजमल कसाब को तो यहीं पे फांसी दे दी गई थी, लेकिन जिन लोगों ने फंडिंग की थी जैसे हाफिज सईद और उसके साथ और भी 6 लोग, जिनको पाकिस्तान के एक लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी उनको कन्विक्टेड कर दिया था सारे सबूत और गवाह देखकर, लेकिन अभी लाहौर हाई कोर्ट, जो पाकिस्तान का एक हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट ने उन 6 लोगों को जिन लोगों ने मुंबई धमाके में फंडिंग की थी, जो कि लोअर कोर्ट से वो कन्विक्टेड थे, उन्हें सजा मिल चुकी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया कि वो केस ही क्वाश कर दिया, मतलब खारिज कर दिया और कहा कि नहीं ये निर्दोष हैं, जबकि लोअर कोर्ट में पूरा साबित हो चुका था कि उन लोगों ने ही फंडिंग की थी। तो आखिर आप सजा देंगे कैसे एक लोअर कोर्ट, जबकि लोअर कोर्ट में ही पूरी ट्रायल कंप्लीट होती है अच्छे से, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास जो सबूत है वो सफिशियंट नहीं है और इन लोगों को 6 लोगों को बाइज्जत बरी की जाती है। तो ऐसे एक मतलब कितना वेल प्लान्ड देश है जो टेररिस्ट को पालता पोसता है। आर्मी भी कभी नहीं कहती है कि वहां पर टेररिस्ट है, वहां की सरकार नहीं कहती है टेररिस्ट है, और अगर कोई कोर्ट गलती से उनको सजा भी दे दे तो वहां के हाई कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर